देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की के सडोली गांव में मनरेगा कार्यों की जांच करने पहुंची टीम के सामने दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। तनाव बढ़ता देख अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। हंगामे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण अधिकारियों की जांच टीम के सामने ही ग्राम प्रधानपति पर हमला करने को तैयार थे। आपको बता दें कि देहरादून शासन को लंबे समय से गांव में मनरेगा के कार्यों की हेराफेरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ा घोटाला किया है, जिसके उनके पास प्रमाण मौजूद है। इस जांच को लेकर उत्तराखंड शासन की एक टीम सडोली गांव पहुंची और ग्रामीणों के बयान दर्ज करते हुए मनरेगा कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए। कर्मचारियों से जांच अधिकारी बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आए। कुछ देर बाद प्रधान समर्थक और ग्रामीण आमने सामने आ गए। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। देहरादून ग्राम्य विकास विभाग से पहुंचे मोहम्मद असलम और जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए और ग्राम पंचायत में रखे मनरेगा के सभी रिकॉर्ड को अपने साथ ले गए। जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट जल्द ही प्रमुख सचिव को सौंपेंगे। मैं नरेगा में काम नहीं किया और मेरे खाते में पैसे डल गए थे 16,000 कुछ। इससे क्या नाम जांच आई थी आज और प्रधान जी ने दबाव दिया था मेरा पैर डालने का, तो फिर मैंने इसकी शिकायत करी। फिर आज जांच आई थी तो जांच में मैं निष्पक्ष नहीं हूँ कि इस तरह इनकी सबकी जो है मिली भगत थी, इस्तेमाल संतुष्ट नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं किया मनरेगा द्वारा, इसके खाते में पैसे दिए 16,000 कुछ रुपए। इस पर इन्हें शिकायत करी, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इन्हें सूचना का अधिकार में मांगी, सूचना का अधिकार में लौट पर मतलब गलत तरीके से सूचना दे दी, उस तक संतुष्ट नहीं हुआ। इसने फिर दिल्ली और देहरादून शिकायत करी, वहाँ से अधिकारी लोग आज जांच पाए थे, इस तरह संतुष्ट नहीं हुई। इन्होंने मतलब सही तरीके से मतलब जांच नहीं कर पाए ये लोग, मैं इसका संतुष्ट नहीं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो इसमें अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये मजदूर था ना, इसने 2011-12 में काम किया, 5-6 जगह काम किया। अब ये झूठ बोल रहा है कि मैंने काम नहीं किया, खाते में पैसे चला गया। काम किया तभी तो पैसा गया होगा ना। शिकायत जो की इसने ये झूठ बोल रहा है। सच बात यह है कि लोग भी हैं, गवाही भी दे दी, जो मजदूर साथ में काम कर रहे थे उन्होंने गवाही भी दी कि इसने काम किया है। और मेरा गांव मेरी सड़क में जो है शेरपुर के जो लोग हैं वे भी गवाही देंगे, मैं है नहीं थे उपस्थित। इसमें जो है 40 या 50 मजदूर काम किया, वे भी गवाही देंगे किसने काम किया है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ महिलाओं का आरोप ना ना, एक एक हज़ार रुपये लिए, कोई नहीं गलत है। तो डीडीओ साहब आए थे, डीपीओ सेक्रेटरी और हमारे जय साहब और प्रधान सेवक सभी उपस्थित हैं। ये श्री देवपाल सिंह जी हैं यहाँ पे सटोली के, उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्होंने काम नहीं किया, मनरेगा की एक स्कीम थी लेकिन उनके खाते में कुछ पैसे आ गए। उसी सिलसिले में तथ्यों का पता लगाने के लिए कि वाकई उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है या बगैर उसके ही काम किए उनके खाते में पैसे आ गए हैं, तो इसी सिलसिले में यहाँ सभी लोगों के सामने पूछताछ की गई। उसमें कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं किया, कई सारे लोगों ने कहा क्या किया है, तो अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन तथ्यों को और जुटाने के बाद भी बाद ही तय हो पाएगा, तभी मैं कुछ लिख पाऊंगा कि इसमें क्या सच्चाई है। वो दोनों पक्षों में था, वहाँ जो झगड़ा हो रहा था वो अगर कोई प्रधान पक्ष का ये कह दे रहा था कि इसने काम किया है तो फिर दूसरे पक्ष के लोग भड़क जा रहे थे, या फिर दूसरे इस मुद्दे से हटके भी बहुत सारे मुद्दे आ गए कि शौचालय का पैसा नहीं मिला, गांव की नालियां साफ़ नहीं हो रही हैं, गांव में सड़कें टूटी हुई हैं, तो वो सारे और भी लोगों ने ये कहा कि हमको काम नहीं मिलता है। तो यहीं हमने एक शिविर की तारीख भी तय की है, डीडीओ साहब भी हमारे साथ में आए हुए हैं, तो एक जल्दी यहाँ पर एक शिविर लगाया जाएगा जिसमें जितने लोगों के जॉब कार्ड नहीं बने हैं वो जॉब कार्ड बन जाएंगे। काम जिन लोगों को चाहिए वो उसी वक्त मौके पर ही लिख के देंगे कि हमको काम चाहिए। जैसे एक यहाँ विकलांग थे, 2-3 और विकलांग भी हैं, तो उनको सरकार की मंशा भी है कि उनको काम दिया जाए, तो उनको भी प्रायोरिटी में जॉब कार्ड वगैरह दिए जाए। अब जो शौचालय का मैंडेट है वो ये है कि डीबीटी है, मतलब लाभार्थी के खाते में पैसा जाना है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि प्रधान जी चेक दे रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि उसका जो सुजल का मैंडेट है वो ये है कि आपका खाता खुलेगा जैसे मनरेगा का है और उस खाते में पैसे भेज जाएंगे। बीच में ये शिकायतें आ रही थी कि प्रधान पैसा नहीं देता, इसी को खत्म करने के लिए ये किया गया है, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि चेक काटे जा रहे हैं, तो क्या है ये मामला, ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो नियम ही नहीं है वैसा। देखिए अभी लोगों को यहाँ मनरेगा के बारे में पता ही नहीं है। अभी मैं बता रहा था उनको कि मनरेगा
अगर वो काम करें तो कितनी अच्छी चीज़ है। 99% लोगों ने ना तो कभी मनरेगा में काम किया, ना ही उसमें कोई दिलचस्पी है उनको, क्योंकि 182-170 रुपए में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं रहता, इसलिए वो लोग इससे बिल्कुल हटे हुए हैं। तो अब जो हैं जिन लोगों ने इसमें काम किया वो यहाँ पे उपस्थित ही नहीं हुए। तो सर सीमा का लास्ट गांव पड़ता है इसलिए यहाँ विकास नहीं हो पाया ऐसा नहीं, सीमा का नहीं, अभी जब मैं यहाँ घुसा, जब हम आम रास्ते से आए